पाकिस्तान में क्यों जुटे 1 लाख हिंदू? पाकिस्तान के 44 लाख हिंदुओं ने क्या मांग रखी? किस शक्ति के कारण पाकिस्तान के हिंदुओं में दमन के बाद भी जोश नहीं हुआ कम? दोस्तों, पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की कोशिश है कि पाकिस्तान में एक भी हिंदू न बचे, लेकिन पाकिस्तान में लाख अत्याचारों के बाद भी 44 लाख हिंदू बचे हुए हैं। सवाल उठता है कि जुल्म के खिलाफ भी डटे रहने की ये शक्ति हिंदुओं को कहां से मिलती है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आप बस देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कुछ दिन पहले 26 अप्रैल को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में करीब 1 लाख हिंदू एकजुट हुए। पाकिस्तान के ये सभी हिंदू एक धार्मिक यात्रा के रूप में एकत्र हुए। हर साल होने वाली ये यात्रा पाकिस्तान के हर हिंदू में वो जोश भर देती है, जिसके कारण वो पूरे साल पाकिस्तानी हुक्मरानों और कट्टरपंथियों से मुकाबला करने की ताकत पा जाते हैं। इस साल 26 अप्रैल को भी इसी जोश के साथ जयकारे लगाते हुए करीब 1 लाख हिंदू आगे बढ़ रहे थे। चढ़ाई, ढलान और ज्वालामुखी पर्वतों के बीच ये कठिन यात्रा पर बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, ये पाकिस्तानी हिंदू लोग हर साल इसी तरह माँ हिंगलाज के मंदिर तक यात्रा करते हैं। दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में ये यात्रा हिंदुओं के लिए एक उम्मीद की किरण जैसी है। पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर तक पहुँचने के लिए सैकड़ों सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। इन सीढ़ियों को चट्टानों को काट कर बनाया गया है। इस दौरान वे नारियल और गुलाब के फूल अर्पित करते हुए चलते हैं। हिंगलाज मादा का मंदिर एक गुफा में स्थित है। 3 दिन चलने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए हर साल यहां लाखों पाकिस्तानी हिंदू आते हैं। दोस्तों, हिंगलाज मंदिर मां के शक्ति पीठों में से एक है। यहां माता सती के अवशेष गिरे थे। हिंगलाज यात्रा मंदिर से सैकड़ों किलोमीटर दूर सिंध प्रांत से शुरू होती है। हैदराबाद और कराची जैसे शहरों से हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं। मकरान कोस्टल हाईवे के जरिए ये यात्रा पूरी की जाती है। कई लोग बसों से तो कई लोग बच्चों और सामान के साथ पैदल ही इस यात्रा को पूरा करते हैं। लेकिन ये यात्रा इतनी सरल भी नहीं है, क्योंकि इलाका रेगिस्तानी है और हवाओं के कारण चेहरे को धूल से भी बचाना होता है। यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय माता दी और जय शिव शंकर के जयकारे लगाते रहते हैं। कई लोग संतान की चाह में भी आते हैं। उनका मानना है कि मां के द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। यात्रा के दौरान धर्मस्थल को सजाया जाता है। बच्चों को देवी देवताओं से आशीर्वाद दिलाया जाता है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु हिंगोल नदी में स्नान जरूर करता है। हिंगलाज माता मंदिर मैनेजमेंट इस बात से निराश है कि भारत पाकिस्तान के संबंधों के कारण भारत के श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ पाते। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से मांग की है कि भारत के हिंदुओं को हिंगलाज यात्रा के लिए वीजा दिया जाए। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा। दोस्तों, पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर आज भी वहां के कुछ सुरक्षित मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो पहले स्थानीय जनजाति के लोग थे, मुसलमान बनने के बाद भी हिंगलाज माता की पूजा करते हैं और इस यात्रा में शामिल होते हैं। मुसलमान हिंगलाज मंदिर को नानी का मंदिर कहते हैं और देवी को बीबी नानी कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद आपका।